अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि देखें, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का आज हमने 11वां क्वेश्चन करना है। कोसेकेंट वाई डी एक्स प्लस सेकेंट स्क्वेयर एक्स डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करना है हमने। ये हमारा मेथड है। अब देखें, वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि डी वाई वाली रकमें एक तरफ करनी है और डी एक्स वाली एक तरफ करनी है। तो देखें क्या करते हैं इसमें, हम ये कर लेते हैं कि सीकंड स्क्वेयर एक्स डी वाई इज इक्वल टू, इधर प्लस हो रहा है, इधर क्या हो गया, सी एस सी का मतलब होता है कोसेकेंट, कोसेकेंट वाई है डी वाई। अब कोसेकेंट उधर लाना है और डी एक्स उधर ले जाना है, तो ये हो गया वन ओवर कोसेकेंट वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस वन ओवर सेकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स। आप देखें, वन ओवर कोसेकेंट वाई से हम लिख सकते हैं साइन वाई डी वाई, क्योंकि साइन कोसेकेंट का, कोसेकेंट साइन का उल्टा है। वन ओवर सेकेंड स्क्वेयर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वेयर एक्स लिख सकते हैं इसको डी एक्स। आप क्या करें, आप टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटेग्रल लगा लेते हैं, साइन वाई डी वाई माइनस बाय ले ले कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अब साइन वाई की इंटीग्रेशन क्या हो गई, माइनस कॉस वाई। अब आपको पता है कि डबल एंगल यहाँ पे हाफ एंगल आइडेंटिटी में जाना पड़ेगा, तो इससे पहले आप एक चीज़ देख लें कि अगर हो कॉस स्क्वेयर एक्स तो होता है वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू, और अगर होता क्या साइन एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स तो होता है वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू। ये इंटीग्रेशन में आप किसी और क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपने ये इंटीग्रेशन याद रखनी है। तो देखें, इसको हम लिखते हैं वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। अब देखें, माइनस कॉस वाई, अगर हम माइनस इंटीग्रेशन ले लें, वन बाई टू की इंटीग्रेशन होगी रिस्पेक्ट टू एक्स, वन बाई टू एक्स, कॉस टू की इंटीग्रेशन क्या आ गई, साइन टू एक्स ओवर फोर, ये टू मल्टीप्लाई हो गया साइन टू एक्स ओवर फोर। अब देखें, माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू एक्स हो गया, अब ये माइनस जाएगा माइनस प्लस माइनस साइन टू एक्स डिवाइड बाई फोर। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन का। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 2.2 वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। अब देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 12 साइन 3x dx 2y cos 3x dy। अब देखें, इसमें हम कैसे कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। हम ये टेक्निक करते हैं कि 2y cos 3x है, पहले हम इसको एक बार इसी तरह लिख लेते हैं। अब हम ये करते हैं 2y cos क्यूब 3x dy माइनस साइन 3x dx। अच्छा, तो ये हो गया 2y dy माइनस साइन 3x अवर cos क्यूब x dx। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक मेथड आपने पढ़ा होगा सेकंड ईयर में, बाई सब्स्टिट्यूशन, एस टी आई डी यू टी आई ओ एन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कॉस
क्यूब 3x है cos 3x = t। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लो, 3 sin 3x dt/dx। तो देखें sin 3x 3 डी टी ओवर डी एक्स, तो sin 3x dx 3 dt। अब पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन, अब पुट कर दें तो ये बन गया 2y dy। ठीक है, -1/t³ (dt). अब आप अपनी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, इंटीग्रल ऊपर भी लगा सकते हैं, 2y dy - 1/t³ dt। देखिए अब इंटीग्रेशन आसान हो गई है, 2y² / 2 - t ये हो गया, ऊपर जाके -3 हो गया, काट गया या गया y² - t - 3 + 1 - 3 + 1 y² - t - 2 - 2 - - काट गया, तो ये बन गया जी जनाब। अब ये बन गया y² = 1/2t। अब y²t² हो गया 1/2 cos²3x + c। सी यहाँ पे आ जाना था, प्लस सी। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 12। तो ये हमारे इस वीडियोस में हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 10। और बाकी क्वेश्चन जानने के लिए हमारी आप YouTube लेक्चर में अगली वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।